फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किवें सारे? हाँ जी फ्रेंड्स, जिहड़े मैं तुहानूं फ्री हैंड पत्तियां दस्सियां सीगियां, हुण जिवें आपां डिज़ाइन दे विच आपां यूज़ करनियां हैगियां, ठीक है। तो ये हैगा आपां टैबी दा स्टफ हैगा, सिल्की जिहा, ठीक है। इहदे उपर मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया पेंसिल नाल, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन है ये, इहदे विच जिहड़ियां पत्तियां बनियां वह मैं तुहानूं सिखा रही हाँ गी, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं सिंपल एस स्टॉक ते टू स्टॉक दस्या सीगा, ठीक है, वह वाला आएगा। इन्होंने वैसे सिंपल इक्को ही शेड यूज़ किया होएगा, आपां दो शेड लै लांगे। मैं लिया गा इहदे विच, जिवें हुण इहदे विच मैनूं ग्रीन ते ब्राउन दोनों शेड नज़र आ रहे नेगे इन डंडियां पत्तियां विच, ठीक है। तो मैं यही यूज़ करूँगी, ठीक है, सैप ग्रीन ते ब्रंट शाइना, ठीक है। हुण मेरे कोल ब्रश हैगा 7 नंबर फ्लैट, ठीक है। मैं हुण जिवें मैं शेड आपां लैने दोनों, ठीक है, एक साइड दूसरा, एक साइड दूसरा, ठीक है। ब्राउन ते ग्रीन आपां लै लिया। हुण जे लंबियां लंबियां डंडियां, ये तो आपां इस तरह ही करांगे, जिवें इदां ब्रश रख के बस, ब्रश थोड़ा बिल्कुल नवा हो गया डंडियां लिए। ठीक है, इस तरह पहले आप सारिया डंडियां कंप्लीट कर लांगे, ठीक है। हुण आप पत्तियां बनानियां, इस तरह, ठीक है। वही अपना आ गया एस स्टॉक, ठीक है। इधरली साइड तो, ठीक है। हुण मेरे कोल 6 नंबर फ्लैट ब्रश हैगा, ठीक है। तो जिवें हुण आपां इत्थे मिक्स करते हैं ना, हुण जिवें आपां नूं डिज़ाइन विच दिख रहा हैगा, थोड़ा जिहा ना आपस में मिक्स ही हो जाए चंगी तरह, ठीक है। भी अलग अलग ना शो हुंदा होया, भी ज़्यादातर मिक्स ही हो जाए आपस में, ठीक है, दोनों शेड। फिर आपां इस तरह, ठीक है, वही सिंपल पत्तियां ने, ठीक है। ऐसा इस तरह बनिया हुई नेगिया, ठीक है। बिच स्पेस जी भी छड़ी हुई है, छड़नी छड़ दो, नहीं छड़नी ना छड़ो, मर्जी अपनी। इतों देखो नीचो में चक के इस तरह, ठीक है। जिमें अपने डिजाइन विच बहुत घट पत्तियां बनिया हुई नेगिया, आप एक्सट्रा आपके कोलो भी होर लगा सकते हैं, ठीक है। जिमें थोनों ठीक लगता है जो होर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। टैबी का दुपट्टा, ये तुसी पानी की मात्रा बहुत ही नॉर्मल रखनी हैगी, ये आप ज़्यादा पानी नहीं पाना क्योंकि ये पहले ही बहुत कूला हुंदा है स्टफ, तो ये आराम आसानी ब्रश
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਰ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਆਹ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰੇਂਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਫਲੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਸਟੋਕ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀ ਸਟੋਕ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਕ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਸਟੋਕ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਆਏ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਓਹੋ ਸੋਰੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਈ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ 0 ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ठीक है। फिर इत्थे बिंदियां, इस तरह, ओके, इस तरह कंप्लीट करांगे इन्हां नूं। चाहे थोड़ा जा ब्लैक पाके इनू ब्राउन नू डार्क कर लो, इदा बिच्चे मिक्स जा ही रखना, तो फिर इदा उही शेड रख लो, ठीक है। ते उपर डॉट्स इस तरह कंप्लीट करांगे इनू, ओके। हुण आपां बाकी दे ओरेंज करने हैं। ठीक है, हुण ये जिहड़ा वड्डा फ्लावर है इहदे विच भी कलर ना ओरेंज कलर ही फिल किया होया हैगा। ये मेरे को वही दो नंबर फ्लैट ब्रश हैगा। इस तरह आप शेडिंग टाइप इनू फिल कर रहे हैं, उपरों नीचे। बस एवं सिंपल आउटलाइनिंग जी करके उस ब्रश नाल विच शेडिंग करी है, ठीक है। पानी हो गया मेरा है, हो गया। होना ही है ठीक है। बस ऐसे तरह आप शेडिंग करनी है। सेम ओही ऑरेंज कलर नाल ही इहदे विच इस तरह। एक मिनट रुक जा, वीडियो बड़ी आती है। इस तरह बनाना, ठीक है। ओके हाँ जी, हुण आपां इह वाला फ्लावर बना रहे हैंगे। इहदे विच वी जिवें आपां ओरेंज दा उपर नीचे शेड करांगे, इसे तरह ही बस तुसीं ब्रश नाल इहनूं ड्रो टाइप ब्रश चला लिया, जिवें आपां वी समझ लो पेंसिल चला रहे हैंगे, ठीक है। फिर इत्थे मैं शेडिंग आ गई अपनी, इस तरह नु शेडिंग करते हुए एकदम भर लेना। हाँ जी, अपने कोले तीन नंबर फ्लैट ब्रश हैगा, इहदे नाल आपां इस तरह फिलिंग ही करनी है, ठीक है। ते जिवें जिवें मतलब वीडियो विच आपां नु दिख रहा डिज़ाइन आपां उवें ही फिलिंग करांगे। इहदे विच नीचे ओरेंज फिल किया होया है।
ठीक है। तो ये बिच इत्थे ब्राउन ते ब्लैक दी शेडिंग हैगी, इत्थे अंदरों आपां ब्राउन शेडिंग देनी है। ठीक है, हल्का जिहा बिच ब्लैक। ठीक है, हुणे उपर वाला फ्लावर कर रहे हैं। उपर वाले फ्लावर च आप जिवें नीचे इन्होंने ज़्यादा ब्लैक ब्लैक किया होया है, ठीक है। ऊपर अपना ऑरेंज, नीचो फिर ब्लैक शेडिंग। ठीक है, ठीक है। ये फिर आप ब्लैक डॉट्स लगा देंगे इतने। ठीक है, हल्की हल्की आउटलाइनिंग देनी है तो आप दे सकते हैं। वैसे ये है नहीं डिजाइन के आउटलाइनिंग, इस तरह ही है। इतने भी हल्का हल्का या ब्लैक आप बिल्कुल हल्की हल्की ब्लैक डॉट्स इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे डिजाइन वैसे इस तरह ही कंप्लीट करना है आपको। बाकी मेरा मेन मकसद तो सिर्फ ये थोनों पत्तियां दसना ही सीगा। ठीक है, ये भी अपनी एक क्लास का पार्ट ही है कि ये मैं थोनों पत्तियां दसनिया सीगा सिंपल, जिवें मैं थोनों एस स्टॉक तो टू स्टॉक वाली दसिया सी भी वह आप अपने डिजाइन में किदा यूज करनी है, मैं वह दसिया थानू। ठीक है, फ्लावरस की मैं वैसे ही नाल दसता, बाकी जिहड़ा रह गया बस सेम इस तरह ही होएगा जिन्ना कि भी मैं करवाता। ओके, हाँ जी, देख सकते हो तुसी ये अपना कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। ठीक है, ओके।